आज पार्ट टू में हम बात करते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड डियर रेक्टिफिकेशन की। तो देखिए इसमें क्या होता है कि दृष्टि दोष तथा उनका निवारण। तो वो दृष्टि दोष क्या क्या है उनके बारे में चलिए बात कर रहे हैं हम। तो वो है मायोपिया, और दूसरा क्या है हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। इन तीन के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए मायोपिया नियर साइटेडनेस या निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, तो इस लाइन से ही समझ लीजिए निकट दृष्टि बाकी सब दोष है। ठीक है, निकट दृष्टि बाकी दोष रहेगा। नजदीक की वस्तुओं को तो आप देख लेंगे लेकिन जो दूर की वस्तुएं हैं नहीं देख पाएंगे, तो ये इसे क्या कहेंगे, ये मायोपिया या नियर साइटेडनेस निकट दृष्टि दोष। ये 10 से 16 वर्ष की आयु में पाया जाता है, सभी को नहीं मतलब किसी किसी को। ठीक है, मायोपिया या नियर साइटेडनेस निकट दृष्टि दोष। देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो फार पॉइंट होता है, फार बिंदु होता है, दूर बिंदु होता है, वो नजदीक आ जाता है। फार बिंदु से मतलब है कि वो अधिकतम दूरी व दूरस्थ बिंदु जहां तक आइस देख लेती है। एक साधारण आइस के लिए, स्वस्थ आइस के लिए जो फार बिंदु होता है इनफाइनाइट होता है। और बात करें कि जो निकट बिंदु की, अगर जो नियरेस्ट पॉइंट के लिए जहाँ तक आइस सुटेबल एकदम बढ़िया से कन्वीनियंट रूप से देख सकें, तो वो होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो लेंस अपने आप को एडजस्ट करती है किसी निकट के पॉइंट को देखने के लिए, वस्तु को देखने के लिए, दूर के पॉइंट को देखने के लिए, वस्तु को देखने के लिए, तो इसे कहते हैं समंजन क्षमता या पावर ऑफ अकोमोडेशन। क्या करती है, जब नजदीकी वस्तुओं को देखने के लिए सिलियरी मसल्स क्या कर रही हैं, लेंस की वक्रता त्रिज्या को बढ़ा दे रही हैं। ठीक, नजदीक के वस्तुओं को देखने के लिए लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाएगी और फिर रेटिना पर क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा उसका। और फिर अगर दूर की वस्तु को देखना है तो वक्रता त्रिज्या लेंस की कम हो जाती है। ठीक, तो बात कर रहे हैं अपनी निकट दृष्टि दोष की, मायोपिया की, नियर साइटेडनेस की। तो देखिए निकट दृष्टि बाकी सभी दोष जैसे कि कहा, तो इसमें क्या होता है कि इसके निवारण के लिए, रेक्टिफिकेशन के लिए हम करते हैं कि अवतल लेंस का यूज करते हैं। अवतल लेंस कैसा होता है, डाइवर्जिंग होता है। डाइवर्जिंग कहने का मतलब अपसारी होता है। जैसे कि बात करें कि एक नॉर्मल आइज जो रहते हैं कि उनका रेटिना पर बनता है, लेकिन इमेज जो प्रतिबिंब होता है इसमें क्या होता है, रेडनेस थोड़ा आगे बन जाता है। यहाँ से रेज आई, प्रतिबिंब की किरणें आई टकरा कर, यहाँ से मतलब क्या हुई, लाइट वहाँ से वस्तु से टकरा कर आ रही है या सीधे आ रही है, कहीं समानांतर किरणें पैरेलल रेज, फिर क्या हो रही है, यहाँ मीट कर जा रही हैं कहीं पॉइंट आर पर। ठीक, वैसे तो मीट करना था रेटिना पर, लेकिन अब देखिए इसके निवारण के लिए क्या करे, क्या करा जाए, किस लेंस का यूज किया जाए कि इसका निवारण हो जाए, तो अवतल लेंस का यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। ठीक, अगर हम कॉनकेव लेंस का यूज कर देंगे तो पूरा सिनेरियो बदल जाएगा। कॉनकेव लेंस मतलब अपसारी लेंस, क्या करता है, डाइवर्जिंग नेचर का होता है। तो देखिए जो इससे रेस टकराएंगी वो सीधा ना जाकर के थोड़ा सा टिल्ट हो जाएंगी, अपनी दिशा से पलट जाएंगी, थोड़ा सा इधर नीचे की तरफ घूमेंगी और ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ, थोड़ा सा ये नीचे और टिल्ट हो गई और ऊपर थोड़ा सा ये और टिल्ट हो गई, फिर क्या होगा कि ये मीट कर जाएंगे। एक सूटेबल अवतल लेंस का यूज करेंगे जो कि रेटिना पर इमेज फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, तो ये जो अवतल लेंस होता है इसका निवारण कर देगा, रेक्टिफिकेशन कर देता है। मायोपिया नियर साइटेडनेस की बात हो गई, अब चलिए दूसरे डिजीज पर आते हैं, वो है फार साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया।
तो जो फार साइटेडनेस होता है, हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष, तो इसे इस तरह समझिए, बाकी ये दूर दृष्टि है, दूर देख ले रहा है लेकिन बाकी उसके क्या है, दोष है, मतलब ये नजदीक की वस्तु को नहीं देख पा रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है कि जो नियर पॉइंट था, नजदीक पॉइंट था, वो क्या हो गया, दूर कहीं खिसक गया है। जिसके कारण से क्या हो रहा है कि जो इमेज फॉर्मेशन होनी चाहिए रेटना पर ना होकर के उसके पीछे हो जा रही है। इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का यूज करेंगे। उत्तल लेंस का नेचर कैसा होता है, अभिसारी होता है। क्या अभिसारी मतलब कन्वर्जिंग का, थोड़ा सा कन्वर्ज कर देगा। एक सुटेबल उत्तल लेंस का यूज करते हैं इसके रेक्टिफिकेशन के लिए, निवारण के लिए। तो देखिए जो कुछ इसका सिनारियो किस तरह से हो जाता है। यहाँ से समांतर किरणें जो आ रही हैं कहीं दूर से, तो यहाँ से टकराने के बाद लेंस से क्या करेगा, जो हमारी आईज में होता है। एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, जो आईज में लेंस होता है उसका नेचर कैसा है। ठीक, अभिसारी होता है, ठीक है, क्यों यहाँ एक उत्तल लेंस होता है। तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ कहीं रेटना के पीछे बन जा रही है, बिहाइंड रेटना इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। अगर बिहाइंड रेटना हो रहा है तो, या आगे रेटना के हो रहा है, तो इमेज क्या होगा, नहीं देख पाएगी हम, महसूस नहीं कर पाएंगे। और इसमें हो क्या रहा है, हाइपरमेट्रोबिया में इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि बिहाइंड द रेटना फॉर्मेशन हो रहा है इमेज का। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बन रही है, बिहाइंड द रेटना। तो ठीक है, इसके निवारण के लिए किस लेंस का यूज करेंगे, तो जैसा कि कहा कि उत्तल लेंस का यूज करेंगे। उत्तल लेंस का नेचर होता है कन्वर्जिंग या अभिसारी। तो देखिए क्या खेल हो जाएगा जब उत्तल लेंस का हम यूज करते हैं। यहाँ कहीं आगे इसके, या जो हम स्पेक्टिकल्स यूज करते हैं, चश्मे यूज करते हैं, तो उसमें यही सब चीजों का यूज होता है कि उत्तल लेंस वहां यूज करें या अवतल लेंस का यूज करें। तो ठीक है, यहाँ उत्तल लेंस का यूज कर लिया इसके निवारण के लिए, रेक्टिफिकेशन के लिए। तो देखिए जैसे कहा था कि इसका नेचर क्या होता है, अभिसारी होता है। जो रेस किरणें आई कहीं वस्तु से, फिर क्या कर रहा है, हल्का सा टिल्ट कर दे रहा है अंदर की तरफ। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका नेचर है अभिसारी। और फिर ये जो आईज के अंदर जो हमारा लेंस है, उत्तल लेंस है, ये क्या कर दे रहा है, इसे रेटिना पर फॉर्मेशन कर दे रहा है इमेज का। ठीक, तो जो उत्तल लेंस हो गया इसका निवारण के लिए, ठीक है, यूज हो गया। एक और डिजीज होती है उसे ओरली ही जान लीजिए, ओरली ही जान लीजिए, प्रेस बायोपिया। थर्ड, तीसरी डिजीज के बारे में बात करें, प्रेस बायोपिया, जरा दृष्टि दोष। तो देखिए प्रेस बायोपिया, जरा दृष्टि दोष बुजुर्ग लोगों में ज़्यादा पाया जाता है, या आमतौर पर कहने कि उनमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि ना निकट का दिखता है ना दूर का दिखता है। तो भैया इसके निवारण के लिए हम बाईफोकल लेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, बाईफोकल लेंस का। ये देखिए जो बाईफोकल लेंस होता है, ऊपर की तरफ तो ये अवतल होता है और फिर बीच में क्या हो जाता है, उत्तल हो जाता है। तो जो ऊपर के जो अवतल लेंस है, नजदीक के लिए, नजदीक की वस्तुओं को देखने के लिए मदद करेगा। ठीक, और ये जो बीच में उत्तल लेंस है, कहीं दूर की जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं, जहां से प्रकाश टकरा के आएगा तभी देख पाएंगे हम चीजों को। तो जो बीच का जो उत्तल लेंस है, दूर की वस्तुओं को देखने में मदद करेगा। तो ठीक है, ये प्रेसबायोपिया का हो गया निवारण। और कुछ बातें जान लीजिए जो कि जीके और उस चीज़ों में पूछी जाती हैं। तो देखिए जो ये सीलरी बॉडी होती है, फॉर्मेशन करती है किसका, अक्वस ह्यूमर का और विट्रस ह्यूमर का। अक्वस ह्यूमर जो जलीय द्रव्य हो गया, जो लेंस के इस साइड पाया जा रहा था, और जो लेंस के पीछे की तरफ था वो क्या था, विट्रस ह्यूमर था, कांस द्रव्य। ठीक है, तो ये सीलरी बॉडी किसका फॉर्मेशन करती है, एक्वस ह्यूमर का और विट्रस ह्यूमर का। आप ये चीज ऑब्जर्व किए होंगे जो कि कुछ एनिमल्स होते हैं, जैसे कि गाय हो गया, भैंस हो गई और घोड़े हो गए, इन सबके जो आईज होती हैं किनारे की तरफ होती हैं, इस तरफ। तो
तो ये इस तरफ क्यों है? क्योंकि देखिए ये जब किनारे की तरफ होंगी तो एक लार्ज पूरा एरिया देखने मदद करेगा, कोई अगर एनिमल इन पर अटैक कर रहा है तो उसे आसानी से क्या करेंगे मतलब दिख जाएगा, तो ये भाग जाएंगे। लेकिन जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं उनकी जो आईज होती हैं सामने की तरफ होती हैं, वो तो सामने की तरफ जो आईज हैं ये क्या करेंगी, मतलब कि अगर इसे कुछ क्वेश्चन को हम थोड़ा घुमा कर पूछें, जो ये दो ही आईज क्यों हैं, एक ही हो सकता था, एक ही एक भी से तो देख सकते थे, लेकिन दो से दो आईज होने का फायदा ये है कि आप किसी एक पॉइंट पर फोकस कर सकते हैं। ठीक, इसे क्या अगर किसी पॉइंट पे अगर आपको साधना है कहीं या कुछ थ्रो कर रहे चीज़ें उस पर या कहीं फोकस करना है उस पर, तो आसानी से हो सकेगा, इसलिए दो आईज होती हैं। और भी कुछ चीज़ें जैसे कि टेप्टम फाइब्रोसम पाया जाता है सिलरी बॉडी में, जो वेल्स हो गया और भी एनिमल्स हो गए, ये हुप्ड एनिमल्स हो गए, कंगारू हो गए, इसमें क्या पाया जा रहा है, टेप्टम फाइब्रोसम। ये क्या होता है कि सिलरी बॉडी में पाया जा रहा है, जब यहाँ पर लाइट टकरा रही है अंदर आके तो क्या हो रहा है कि जब रिफ्लेक्ट करती है तो आइस चमकने लगती है, और यही टेप्टम फाइब्रोसम की जगह किसी किसी में टेप्टम सेलुलोसम पाया जाता है। वो क्या हो गया, वो कौन से एनिमल हो गए, कार्निवोरस एनिमल हो गए, मांसाहारी हो गए, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, या फिर और भी जो कार्निवोरस हो गए, चीता हो गया, क्या पाया जा रहा है, टेप्टम सेलुलोसम पाया जा रहा है। जो हमारी आइज होती हैं 5000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ के लिए बहुत सेंसिटिव होती हैं। जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है, स्वस्थ दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो देखने की होती है 25 सेंटीमीटर होती है। देखिए ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। जो सबसे ज्यादा वेल डेवलप्ड आइज की बात करें तो वो प्राइमेट्स की होती है। तो ये रहे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस पे अच्छे खासे बन सकते थे। तो याद रखिएगा किस किस लेंस का यूज होता है, किस किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए, ये इस पर और भी न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, वो ज्ञान सर आपको बता देंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।